दिल्ली एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी की जीत। कुल 12 वार्ड समितियों में से बीजेपी ने 7 और आपने 5 सीटों पर किया कब्जा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जारी की 19 उम्मीदवारों की सूची। उचाना से चुनाव लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला। राज्य की वित्तीय स्थिति पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कर्मचारियों को कल वेतन मिलेगा, यह एक वित्तीय समझदारी थी, एक वित्तीय अनुशासन था। नहीं, उनको कल सैलरी मिल जाएगी। वो तो एक फाइनेंशियल प्रूडेंस करते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करते हैं, और जनता को ये भी बताना पड़ता है कि 5 दिन पहले जब हम आपको सैलरी देते हैं तो लोन उठा कर देते हैं जिस पर 7.5% ब्याज लगता है, और 3 करोड़ रुपया मंथली हमारा खर्चा 5 दिन का आता है, और पेंशन देने के लिए 10 तारीख को कहा है। तो उस चीज़ को, सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ता है। ट्रेजरी में पैसा होना चाहिए, तो उस सब सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग के तहत ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इस दृष्टि में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज सुबह हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। गणेश चतुर्थी पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा में गणेश चतुर्थी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। हमारे शिक्षा विभाग के नेशनल स्किल फ्रेमवर्क की ओर से यह पारंपरिक मटोली बाजार का आयोजन किया गया था। हमें गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और हमेशा के लिए गणेश चतुर्थी के पूर्व यानी 8 दिन ये उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के नेशनल स्किल फ्रेमवर्क की तरफ से मटोली बोलके जो पारंपरिक गणपति में जो पूरा मटेरियल जो जंगल में से और जो प्रिपेयर करते हैं, इसका जो मार्केट रहता है, वो मार्केट की तैयारी हमारे गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ने यहाँ की। उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे था। मैं मेरे स्किल डेवलपमेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सभी मटोली का जो तैयारी यहाँ पे की है और सेल के लिए यहाँ पे रखा है, तो बच्चों के लिए यानी उसका प्रिपरेशंस और उसका बिजनेस नॉलेज दोनों बच्चों के लिए मिल रहे हैं। इसलिए यानी गणेश चतुर्थी के दरमियान सभी एक उत्साह का वातावरण गोवा में है। मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।